देखिए हम इस समय पे हैं डंखड़ नाम की एक मॉनेस्ट्री है, वो मॉनेस्ट्री उधर नज़र आ रही है अपने को, और ये स्नो लेपर्ड के पॉ प्रिंट्स मतलब बर्फ वाली तेंदुआ। अगर आपको हिंदी में स्पीति वैली अगर आपको हिंदी में पता चलना चाहिए कि स्नो लेपर्ड कौन क्या होता है, हिंदी में वो होता है बर्फ तेंदुआ। अच्छा फिर बस तेंदुआ जो बर्फ में रहते हैं तो बर्फ तेंदुआ। बहुत ही सुंदर नज़ारा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जहां जहां तक नजर जाती है। और अभी हम आपको कहेंगे, हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो गाड़ी से बाहर निकलेंगे। थ्रिल इस टेम्परेचर में, इस समय डेफिनेटली हम लोग -20 से ऊपर हैं, और इसमें डॉक्टर निधि सरोहे ने अपना पगड़ बांध लिया। ये देखिए, जब जब ये पगड़ बंधा है तब तब ये खिड़की से बाहर निकलने के लिए तैयार रही हैं। गाड़ी में सनरूफ की कमी आज भारी रूप से महसूस की जा रही है। और ये देखिए जितेंद्र सिंह जी काफ़ी पैक्ड हैं, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ओ गई 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 क्या वो देखिए, ये डॉक्टर निधि सरोहे का बाहर से हम व्यू लेने की कोशिश करते हैं। हाय हाय, आई होप यू दिखाई दे रही हूँ, आई ओनली अज्यूम। और सब ये मुझे बोल रहे हैं कि फूल मत गिरा देना। और अब ये यहाँ से अंदर आएंगी, अंदर आने का भी एक शॉट जो है वो लिया जाएगा, तो जिसको जैसी मस्ती करने का दिल करे वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वैसी मस्ती करें। इस बार काफी लंबा समय डॉक्टर निधि सरोहे ने बाहर बिताया है। जैसा मस्ती करना है अपना सुरक्षा का ध्यान रख के करो। मैं ये क्यों नहीं कर सकता क्या? अब सभी दोस्तों मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता खिड़की से बाहर जाना। कोई सभी को समझाए कि 6 साल के बच्चे के लिए कितना खतरनाक है ये, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं सभी को पढ़वा सकूं कि सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि इतने छोटे बच्चे के लिए इस प्रकार से मुश्किल है। कहाँ मुश्किल है वो देखिए, कोई तो छोटे छोटे जानवर वहाँ नजर आ रहे हैं। आउच, बहुत सारी बर्फ अंदर आ रही है। एकदम से बर्फ आ गई। खैर पापा ये क्या जानवर है? गाय। कुछ डॉन्कीज हैं, कुछ गायें हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, अभी के लिए बाय बाय।